Let this be another knot to tie around my bed at night. I know I've lost the fight to erase your face, my mind. Awake, I lie here staring up beyond the sky. तो अभी हमारे पास दो कलर के फर्टिलाइजर्स हैं। जो सबसे पहला आप देख रहे हैं वो है DAB, ठीक है, विच इज़ इन ब्लैक कलर। और इसके बाद एनरिच, ठीक है, जो DAB है वो 50 kg का बैग होता है और जो एनरिच है वो 8 kg का बैग होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मिक्स अप करने के बाद फिर जो हमारी पैली है जिस पे मतलब कि चावल की फसल लगानी है, और हल चलने के पहले ये अच्छी तरह से एक बार छट्टा लगाकर हाथ से ये दी जाती है, इसका बीज मतलब कि फेंक दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि छटका लगाया जाता है, ठीक है, उर्दू में। और इसके अलावा फिर हल चलाई जाती है एक सिंपली, और हल चलाने के बाद जब ये नीचे चली जाती है उसके बाद फिर इसको जो प्लेन सुहागा होता है, ठीक है, प्लेन करने के लिए वो ऊपर चलाया जाता है ताकि जो सही तरह से जो मट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए, और बैठने के बाद जो चावल की जो फसल का वो दाना है वो सही तरह से लग सके। अब चावल की फसल की जो बेसिक चीज़ होती है पनीरी, अब आपको बताएंगे बेसिकली पनीरी क्या होती है और ये किस तरह की होती है और बेसिकली ये बनती क्या है और कितनी देर की ड्यूरेशन होती है और उसके बाद आफ्टर प्रोसेस क्या होता है। तो ये आपको जो घास की तरह ये जो पत्ते वगैरह और ये नज़र आ रही हैं, बेसिकली पनीरी है, जो कि कायनात बीज जो हमने सीड लगाया था। और अगर इसको मैं नीचे से जड़ उखाड़ कर दिखाऊँ आपको, ये बेसिकली आप इसकी जड़ें देख रहे होंगे, ये यहाँ से उखाड़ते हैं। और जो फिर हमारी कद्दू वाली पैली है जिस जगह पे चावल की फसल लगानी होती है, ये जाकर उधर इस तरह से लाइक अगर ये है तो इधर ऐसे डिप कर देते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सीड्स इन द मार्केट एंड आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टू आप किस कंपनी का सीड या कौन सा सीड अपनी जो पनीरी की फसल है या फिर अपनी चावल की फसल बनाने के लिए यूज़ कर सकें। लास्ट ईयर हमारा कोई और था, ठीक है, आई थिंक टू 15-15, और इस साल कायनात है, ये बेस्ट बीज कंसिडर किया जाता है। ते अपना मुड़ सरैकी आंदी तुहानू? सानू पंजाबी मसां आंदी जी। वाह जी वाह। अच्छा मुड़ सानू ये दसो हुण कि जरा अपना पनीरी दी जिहड़ी होंदी, जिहड़ी चावल की फसल लाई दी, इंदे जी केड़ा केड़ा बीज होंदा है जिहड़ा कि ला सकदा है कोई भी जिमीदार ते अगे फिर उनका बेहतरीन जरा है झोना बन सकता है, चावल बन सकता है। चावल है कायनात। अच्छा अगे पहलो आवा बीज देना 515 सुपर 2000 515 केड़ी जान दा सी 515 ओई बासमती है। बासमती ठीक है। चाचा माना हुण मोर है दसो सा कि पनीरी पटदे कैसा लग सी? पनीरी पटन दे औखी है। ओके कम हां जी नहीं मोर पानी जे बह के तो कम ठंडा नहीं हो जाता? नहीं बाद गर्म हो जाता, जो धुप लगती फिर गर्म बड़ा हो जाता, फिर बंदा लत्तां पैर सड़ देने थल्ले। अच्छा हां हाथ भी सड़ दे नाल ते बाकियां दा भी इही रोला है। हां पानी भी किते अमर तेरा भी इही रोला है। हां जी मोर जिस हिसाब नाल सानू फीडबैक मिलदे पए ने ते आपां इह कह सकने यार असां भी मतलब कि किसी टाइम च पनीरी पट्टी दी 2-3 साल पुरानी, उनदे बाद फिर ओह निक्के निक्के हुंदे हां नहीं छोटे नहीं सी हुंदे कोई ठीक सी, उनके बाद फिर चलो गंद वगैरह काफ़ी होने लग पाया तो फिर चलो बंदा दूजे को पटवा लेंदा, ठीक है। तो पर एकड़ जरा कोस्ट इन्हों की वो है 4000, ठीक है, 4000 के हिसाब नाल इन्होंने जी कोस्ट है वो एक एकड़ की लैनी होंगी, ठीक है, मतलब कि पट्टन की उखाड़न की ए जी आप पट के तुहानू अगे विखाई ना पनीरी, इनू पनीरी कहिंदे, इनू याद रखे, ठीक है। तो बाकी जरा अगे लाण का प्रोसैस कद्दू जी वो तुहानू आफ्टर विखावांगे जदों उधर जावांगे, ठीक है। ये जो पनीरी जो सारी थी उसको एक गिरा लगाकर बांध दिया गया है, और जो इस सारी जो ये है ना इस क्या उसे कहते हैं चीज़ को, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ठड्डी, डड्डी नहीं ठड्डी, डड्डी कहते हैं, जो मेंढकी होती है, मेंढकी। तो ये सुबह से आए हुए हैं और सुबह से आकर ये जो सारी रो है स्टार्टिंग तक ये सारी इन्होंने आज मतलब कि पनीरी आज सारी पट दी। उर्दू में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो समटाइम आपकी ज़ुबान में नहीं आ रहे होते, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ पंजाबी बिकॉज आई एम ए पंजाबी मैन, आई एम बिलोंग्स टू विलेज, सो दैट्स व्हाई आई चूज़ पंजाबी व्हेन एवर आई मीट टू। हाँ नसीर गर्मी का की हाल है फिर? गर्मी का की हाल दसी बुंड मौसम सही रहा 3 दिन। अच्छा हुण वे नाते पे वैसे ही गर्मी में। अच्छा अच्छा सारा फिर पसीने ना गिल्ला होया पसीने ना। चलो कोई नहीं, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और आज की तो स्पेशल बात ना करें, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट लाइक मुझे पता है कि वीडियो बनाने से पहले जब मैं बाहर आया था, बाहर आकर थोड़ा सा चल फिर रहा था, जब मेरे पे सडनली धूप का अट्रैक्शन हुई है एकदम से। जब सनरेज़ आई हैं तो मुझे पता लग गया था यार। मैं भाई बड़े भाई को कह रहा था, जुनैद को मैं कह रहा था यार बाकी अच्छे से वाह गर्मी। पीछे आपको ट्यूबवेल भी चलने की आवाज़ आ रही है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि ट्यूबवेल नहीं चलने की ज़रूरत क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी ऑलरेडी प्लॉट्स पर खड़ा हो चुका है। लेकिन जो प्लॉट्स पर पानी खड़ा था वो ज़मीन सारा पी गई है। सम ऑफ माई वर्कर्स सेट के जो बारिश का पानी होता है ये ज़मीन ज़्यादा मतलब कि जज़ब करती है। हम अपने MF 385 पे अभी पनीरियाँ जो लेके जा रहे हैं और ये बहुत पावरफुल इसका इंजन है और ये कहीं पर भी बंद नहीं होता, ठीक है। ये मेरे पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, अभी तक बंद नहीं हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे जाके भी बंद नहीं होगा। नसीर आपका इसके बारे में क्या कहना है? बारह ना तेल बंदा इन्हें कितने बंद है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल तेल कितना महंगा है तो यार ये तेल भी नहीं खाता, ठीक है। ये जो हमारा ट्रैक्टर है ये चारे पे लगा हुआ है, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसको ना जूस बना कर दे देते हैं हम वो चारे का, ठीक है। वो जूस इसमें डलता है, ठीक है। कोई इसमें बंद होने वाला सीन नहीं है, कोई वो डीज़ल चेंज नहीं होता, ठीक है। डीज़ल भी इसका खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है बैठे बैठे, ठीक है। तो बड़ा ऑटोमेटिक सीन है इसका, तो इसलिए हम इसको यूज़ करें आजकल। तो ये काम हमारा 385 भी नहीं कर पा रहा और अब मुझे जाना पड़ रहा है धक्के के लिए। तो सी यू। तो अब इधर से उतार कर तो जो बाकी का आगे का है ना हमारा सफ़र वो हाथ पे उठा के लेके जाया जाएगा, ठीक है। 3 बंदे हैं तो अराउंड एक बंदे के हाथ में कोई 15-15 के पास ठटियाँ आ जाएंगी, ठीक है। और इस पर हम इतना ज़ोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसको काफ़ी मुश्किल हो रही है चलने के लिए, ठीक है। और उसके टायर बिल्कुल नीचे धंसे हुए हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई सॉर्ट ऑफ टायर्ड नाउ। वहाँ से मेरा यहाँ सफ़र था वो, तो अब हम इनको फेंकने का प्रोसेस करते हैं। तो ये तो इसी तरह ही फिर थोड़े से गैप के साथ ये देखें हम फेंकी जा रहे हैं। और फिर जो लगाने वाले हैं वो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है, उधर से ही उठाकर फिर उसके पास ही लगाते हैं। तो ये देखें मिट्टी के साथ भर गया टायर और ये ऊपर वाला जो इसका है हिस्सा उसके साथ अटैच हो गया, तो ज़्यादा भारी काम है तो इसलिए जहाँ पर ये करी है वहाँ पर अच्छी लगती है। इसको हम मज़ीद आगे या पीछे नहीं करेंगे। एज़ यू कैन सी पसीना ऑन माई फेस, ये दरअसल पसीना नहीं है, मैं ज़रा कद्दू में लेट कर आया हूँ तो दैट्स वाई पानी वगैरह हो यू नो कपड़े वगैरह गीले हो गए। तो आई एम ऑन इट, आई मीन दिस ट्रैक्टर ऑफ 385 और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ बैक टू होम। एंड ये बुरा हाल हो गया और कपड़े वगैरह एक बार गंदे हो गए हैं दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली बुरा हाल, बिकॉज मैं इसे बुरा हाल नहीं कहूँगा. दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग टू लिव अवर लाइफ. So this is not totally bad. This is our culture and we survive in the culture. और this is also a part of the culture because पहले भी लोग अपने जो जानवर थे उस पर ही जो अच्छा बेसिकली मैं आपको बताता हूँ. ये जो है ना, जब ये छोटी होती है तो इसे हम कट्टी कहते हैं. फिर जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो फिर हम इसे कहते हैं चोटी. तीन चार इसके पीछे बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम इसे कहते हैं मज. तो जैसे सबसे पहले हमारी एजेस होती हैं इंसानों में, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सेम इनमें ही इस तरह के जो नाम है वो रखे गए हैं. ठीक है, कट्टी, चोटी, मज. तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द रोड और हाउ ब्यूटीफुल इट लुक. ये देखिए साइड पे जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं. सम टाइम ये दूसरे लोगों के लिए नाकाबिले माफ़ी भी बन जाते हैं, बिकॉज काबिले नुकसान मेरे कहने का मतलब है. बिकॉज सम टाइम होता है कि लोग जब चोर वगैरह होते हैं और ये दरख्त ज़्यादा बड़े हो जाएं तो मे बी वो इसे यूज़ कर सकते हैं दूसरों को रोकने के लिए. या सम टाइम ये होता है कि जो वायर्स होती हैं ये जब उस पर अटैच होते हैं तो स्पार्क होती है. जस्ट लाइक ये जैसे सामने बड़ा दरख्त हो रहा है तो जब ये वायर को अटैच होगा तो स्पार्क होगी. ठीक है, तो स्पार्क होने की वजह से फिर जो लाइट है लाइट चली जाती है और फिर यार इंटरनेट नहीं चलता और मोबाइल की बैटरीज डेड, यू नो डैट. कुछ मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, कभी खुशी कभी गम. तो ये है ज़िंदगी, दैट्स व्हाट लाइफ. जैसे कि अभी ये देखें मेरा पाँव इसको लगा ना, तो ये देखिए ये भी स्पार्क हो रही है. तो ये थोड़ा सा देखें स्पीड तेज़ हो रही है. और ये सामने जुनैद आ रहे हैं, मैं इनकी शॉर्ट्स कवर कर रहा हूँ. अरे तू पहन ले ली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगो मैंने भूल गया. तो आई एम नॉट ओनली वन, जो कि अभी जो हमारा था छोटी रेडी की तरफ जा रहा है. बिकॉज अभी भाई लोग आ गए हैं, वो अभी पहुंचे हैं. ठीक है, तो वो अभी थ्रो कर रहे हैं पनीरी. और मैं अकेला नहीं हूँ जो जा रहा हूँ. अभी मेरे साथ ये आयजा भी है, ये हेल्प करेगी. ठीक है हमारी. तो अभी हम जा रहे हैं और जो जुनैद लोग हैं वो सामने मुझे देख रहे हैं. ठीक है, और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं. होपफुली मुझे यही लग रहा है. आराम से गिर ना जाना. ये देखो नीचे की कीचड़ है तो संभल के जाना है. तो इस बार थोड़ा ड्राइवर चेंज है. ठीक है, पहले ये जो कैमरामैन है मेरा ये ड्राइवर था, अब मैं बेसिकली इसका ड्राइवर हूँ. और थोड़ा ड्राइव करना मुश्किल है बिकॉज अभी मेरे जो पाँव है वो सारे धसे हुए थे मट्टी में, जिसकी वजह से वो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट टू वॉक. तो हम ऑन, आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? हम आपको बहुत प्यार से लेकर आए हैं. ठीक है, तो अभी इसकी थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, तब तक ये चारा वगैरह और पानी वगैरह पी ले. बड़ा सहना ठीक है, आया. मैं इसको ले जाता हूँ क्योंकि ये फिर अपना काम कर लेंगे. हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो. आगे हम वहाँ पर जाके फिर से वीडियो बनाएंगे. मेनू लामा मिलता है. तू तो चलेगा ना लाके. तो ये अभी लगने का प्रोसेस जारी है. और मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो अभी हाथ से लग रही है. ठीक है, और बेसिकली आजकल लोग ज़्यादातर मशीनरी पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मशीन होती है उस पर. ठीक है, इसका जो हाफ़ है ना, मतलब ये ज़्यादा बड़ी होगी है, वो थोड़ी सी छोटी होती है इससे आधी. तो वो मशीन में रख के बेसिकली वो मशीन पे लगाई जाती है, ठीक है। और आजकल एक तो बंदों का मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। और बेसिकली बंदों को जो ये पनीरी लगाते हैं, ठीक है, चावल की फसल लगाते हैं, इसे हम कहते हैं लाफे। तो ये अभी वही सारा प्रोसेस जारी है। ये जो अभी पनीरी की ठड्डी थी जिसको घेरा लगाकर बांधा गया था, अभी वो उसको खोल रहे हैं और खोलने के बाद ये सेम वही पनीरी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एक एक दाना लगाते जाएंगे और ये कोई 4-5 महीने का, ठीक है, होता है फसल। उसके बाद ये फिर चावल तैयार हो जाते हैं, ठीक है, येलो कलर का। और इस चावल की फसल को सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो पानी है, ठीक है। इस पर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और उसके अलावा जो गंदम है उसमें इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं होता और इसको हर 3-4 दिन बाद पानी लगना है और फिर जाके ये बनते हैं। इसलिए ये जो चावल की फसल होती है लोग कोशिश करते हैं कि इसे गुरेज़ी किया जाए। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग वाइंड अप करें। एंड इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग माय व्लॉग्स एंड यू थिंक यू आर डैट यू आर एंजॉइंग माय व्लॉग टू वॉच, तो मस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ठीक है, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और एंड तक जरूर देखिए जी, एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। अब मेरे कहने पे नहीं करना तो ऐसा के कहने पे कर दीजिएगा, ठीक है। If I am not wrong तो ये सामने आपको बहुत ही प्यारी सूरज की लाइट मिल रही है।